गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने एक ऑटो गैंग को पकड़ा है। ये लोग सवारियों को ऑटो या चार पहिया वाहनों में बिठाकर लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 29 एंड्रॉइड मोबाइल, असलहा, ऑटो और एक कार बरामद की है। गैंग पर स्ट्राइक की है और अलग अलग थाना क्षेत्र गैंग पकड़े। इंदिरापुरम का जो गैंग पकड़ा गया है उसमें 3 लोग गिरफ्तार हैं। 100 से ज्यादा घटनाओं का अंजाम दिया है। क्या पूरा प्रोफाइल है गैंग का और किस तरह से घटनाओं का अंजाम दिया? कुछ दिन पहले थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर को ऑटो में बैठाकर लूट लिया गया था और उनके लगभग 35 मोबाइल लूट लिए गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना इंदिरापुरम की टीम को लगाया गया था और उसी के क्रम में 3 अभियुक्तों को इंदिरापुरम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएँ कर रखे हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडाई रहती है, ये सवारियों को या तो ऑटो में या तो गाड़ी में बैठाते हैं। इनमें से एक व्यक्ति गैराज में काम करता है जो कि गैराज में जो भी गाड़ी बनने आती है उसको ले जाकर लूट की घटना को अंजाम देता है। इनका टाइम ऑफ ऑपरेशन भी बदलते रहता है और एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बदलते रहता है। NCR क्षेत्र में इन्होंने कई घटनाएँ करना कबूला है। इनके पास से मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुई लूट से संबंधित कई मोबाइल रिकवर हुए हैं। कुछ अवैध असला और कारतूस इनके पास से रिकवर हुआ है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर को गाड़ी में बैठाकर उनसे लूट कर ली गई थी, उस घटना को भी इन्होंने ही किया था, उससे संबंधित सामान भी रिकवर हुआ है।